हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं आपको इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का चौथा सवाल। बच्चों प्रश्न मेरे पास दिया है कि मेरे पास समांतर श्रेणी दी है, एपी श्रेणी दी है और मुझे उसका योगफल ज्ञात करना है। तो यार योगफल कैसे निकालेंगे वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं ना, इस बार कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस वीडियो को आपको पूरा वाच करना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए भाई उपयोगी हो सकता है, बोर्ड एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर जरूर कर देना। प्रश्न मेरे पास दिया है 1/10 1/15 सॉरी मेरे पास चौथा प्रश्न इसका दिया है, चौथा प्रश्न कि 1/15 1/12 1/10 .. मुझे निकालना है 11 पदों का योगफल। कितने पदों का? 11 पदों का योगफल मुझे ज्ञात करना है बच्चों। कितने पदों का? 11 पदों का, ठीक है। 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल निकालने के लिए मुझे आवश्यकता है प्रथम पद की। तो मेरे पास एपी श्रेणी दी है, श्रेणी दी है एपी, तो उसका जो शुरू में पद लिखा जाता है वो प्रथम पद होता है, उसे हम ए से लिखते हैं बच्चों। 1/15 हो गया, मैंने ए से लिख दिया 1/15, ठीक है। इसके बाद मुझे सर्वांतर की जरूरत है, मतलब डी की जरूरत है। डी कैसे निकाला जाता है? तो डी निकालने का फार्मूला होता है अगले पद में से पिछला पद मुझे घटा देना। अगला पद मेरा 1/12 है और उससे पहला पद हमारा 1/15 है। अब इसे मुझे क्या कर देना है? घटा देंगे। लेकिन भैया ये हमारा अंश बटा हर में आ गया, इसका ऊपर अंश एक है, हर इसका 12 है, इसका अंश एक है, इसका हर 15 है, जिसके हर एक जैसे नहीं है, तो मैं उसको नहीं घटा सकता हूँ बच्चों। तो इसको हर इसका डिफरेंस है, इसलिए इसका हमें एलसीएम लेना है। हर मुझे बराबर करना पड़ेगा, हर बराबर करने के लिए मुझे लेना पड़ता है एलसीएम। मैंने हरों का एलसीएम लिया, 12 का और 15 का मैंने क्या निकाला? एलसीएम। 2 से डिवाइड नहीं होगा, हो जाएगा 2 * 12 15, 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 * 2 = 3 = 6 15 नहीं कटेगा। अब मेरा 3 से कट जाएगा, 3 * 3 = 3 3 * 5 = 15 ये हमारा 5 से कट जाएगा, 5 * 1 = 5 इसकी जब गुणा करेंगे 2 * 2 = 4 4 * 3 = 12 12 * 5 = 60 जो हमारा एलसीएम इसका आ गया वो कितना आ गया बच्चों? 60 आ गया। भैया जिसके हर डिफरेंस होते हैं मैं उसको नहीं घटा सकता हूँ, तो हर घटाने के लिए मुझे इनके हर को बराबर करना पड़ेगा, लेकिन हर इसके बराबर है ही नहीं, बराबर कैसे होंगे? तो इन हरों का मुझे लेना पड़ता है एलसीएम। एलसीएम लिया तो आया 60, जो एलसीएम आएगा उतना मुझे इसी का हर बनाना पड़ेगा, हर बनाना है उसे। भैया 1/12 है, एलसीएम कितना आया 60, तो मुझे 60 बनाने के लिए भैया किससे गुणा कर दें? 12 * 5 = 60 तो 5 से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे। इसी तरीके से इसके हर को 60 बनाने के लिए किससे करेंगे? 15 * 4 = 60 4 से, तो 4 से ऊपर गुणा कर देंगे, तो डी बराबर हो जाएगा 5/60 और 4/60 इसके हर सेम हो गए। अब हर सेम होते हैं तो उसे एक बार लिख देना है और घटा देंगे 5 में से 4 = 1 तो भैया डी जो इसका आ गया वो 1/60 आ गया। कितना आ गया? 1/60 आ गया। अब मुझे क्या कर देना है? इसमें एन का मान दिया, एन बराबर दिया है 11, एन कितना है? 11 दिया। मुझे योगफल निकालना है बच्चों। योगफल का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। योगफल को हम कैसे लिखते हैं बच्चों? एस एन से। एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, 2a + n-1 × d ये मेरे पास फार्मूला है, ठीक है। अब मुझे क्या कर देना है? इसमें मान भर देना है, एन के जगह पर मुझे 11 कर देना है, बराबर एन का मान 11/2 हो जाएगा, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, 2 * 1 का मान हमारा कितना? 1/15 हो जाएगा, प्लस एन का मान 11 - 1 d का मान 1/60 आया है। जितने सारे मान हैं मैंने उसमें भर दिए, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो मान दिए हैं वही मैंने इसमें पुट कर दिए। या एन का मान 11 था, 11 रख दिया, 2 लिखा है बीच में गुणा है, ए का मान 1/15 है और एन का मान 11 है, डी का मान 1/60 है, वही मैंने लिख दिया है। अब क्या करना है? 11/2 है, सेम लिखेंगे। अब भैया ये 2 ये 15 आपस में कट जाता अगर, तो मैं इसको काट सकता था, नहीं कटने वाला, तो क्या गुणा कर देंगे, 2 * 2 = 2 हमारा 15 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ कितना बचा? 10, 11 में से एक जाएगा 10 * 1/60 ये हम क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 11/2 बचा, अब यहाँ मेरे पास बचा 2/15 + यहाँ 1/60
अब भैया इसमें मुझे जोड़ना है, यहाँ मुझे घटाना था, इसमें मुझे जोड़ना है, लेकिन इसके हर कैसे हैं? सेम है क्या? नहीं सेम है, हर जब सेम नहीं होते ना, तो मैं उनको ना तो जोड़ सकता हूँ ना ही घटा सकता हूँ। घटाने के लिए, जोड़ने के लिए इनके हर को बराबर करना है, हर बराबर के लिए मुझे उन हरों का एलसीएम लेना पड़ता है। 15 और 6 का एलसीएम जब लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, ये 3 से 3 15 3 1 3 ये 5 से कटेगा, तो इसका 2 3 6 6 और 5 30 जो इसका एलसीएम बच्चों आ गया वो कितना आ गया 30। इसलिए मुझे इनके हरों को 30 बनाना है। ये हर जब डिफरेंस होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो मैं इन भिन्नों को जोड़ नहीं सकता हूँ, तो जोड़ने के लिए इनके हर को बराबर करना पड़ेगा। हर कैसे बराबर होंगे? इनका एलसीएम निकालो, जितना एलसीएम आता है उतना हर बनाना पड़ेगा। तो भाई मैंने हर बना दिया कितना, 60 बनाना है, है मेरे पास हर में पहले 15, 60 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, 2 से ऊपर। अब इसमें भी हर को 60 बनाने के लिए किससे गुणा कर दें, 10 से, तो हमारा 10 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मुझे कितना बनाना है, 30 बनाना, हर कितना एलसीएम जो 30 आया, तो हम क्या करें, गुणा करें 5 से, ठीक है। 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 11/2 हो गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 = 4, 15 × 2 = 30, 5 × 1 = 5, 6 × 5 = 30। अब हर हमारे सेम हो गए तो क्या कर देंगे, हर को एक बार लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, 5 × 4 = 9 आ जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर देंगे, हम क्या कर देंगे इनके आपस में, 99 हो जाएगा, 99 कितना हो जाएगा, 99, और इसका कितना हो जाएगा, 30 × 2 = 60, ये हमारे जो है 11 पदों का योगफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, तो इसका हमारा आ जाएगा SN का मान 33/20 आ गया, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।